इस सेशन का फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा कि शुरू के 20 मिनट भवानी अपनी बुक के ऊपर अपने आइडियाज शेयर करेगा, बाद के 20 मिनट बुक्स का रिलेवेंस, और फिर इस पर्टिकुलर बुक का रिलेवेंस रहेगा, ये 40 मिनट का पूरा रहेगा, और लास्ट के 20 मिनट हम डिस्कशन और क्वेश्चन आंसर आइडिया शेयरिंग उस पर रखेंगे। थैंक यू भवानी। आप सभी का धन्यवाद आने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत आनंद हो। तो सतीश कुमार यहीं राजस्थान के ही यहीं पे उनका जन्म हुआ, और अभी वर्तमान में लंदन में वो ब्रिटेन में, और अभी सोशल एक्टिविस्ट हैं उन सभी के लिए। और जो पर्यावरण है उससे उनका जुड़ाव है, और उसी पे अभी उनका जो वर्तमान में कार्य उसी पे आगे चल रहे हैं कि कैसे पर्यावरण सिर्फ इंसान सेंट्रिक नहीं है, इसमें हर तरह की स्पीशीज है। तो उन्होंने इस फील्ड में बहुत सारी किताबें लिखी हैं इसी फिलोसफी से जुड़ी हुई थी, और उसमें ये एक किताब है युवा देखो आए। तो शायद आप लोगों को मालूम भी होगा कि रेने डेकार्ट एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिनका एक बहुत फेमस वर्ड है आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो वो मॉडर्न फिलोसफी के फादर हैं, और उस कोट में जो एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंफेसाइज है, जिस पर बहुत ज़्यादा फोकस है, वो है आई। और उस आई का जो डिस्कशन है या फिर उस आई के द्वारा जो बात हो रही है उसमें जो पूरा डिस्कशन है वो इकोसेंट्रिक सोसाइटी से हटके इकोसेंट्रिक सोसाइटी में हो जाता है। तो उसी पे ये जो सतीश कुमार हैं इसी को इन्होंने बात को काटते हुए ये अपना पूरा दर्शन इन्होंने लिखा है यू आर देयर फॉर आई एम। तो उनका ये मत भी है कि ये जो किताब है ये उनकी जर्नी ऑफ माइंड है कि कैसे इस गुथे हुए समाज में हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, और उस सीखने की प्रोसेस में उस कड़ी में उनके जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशंस हैं वो क्या क्या रहे, कैसे वो विकसित होते रहे, और वो विकास उनको कहाँ तक लेके गया, उनके दर्शन को कहाँ तक लेके गया, उनके पर्सनल जर्नी को, उनके मोटिवेशंस को कहाँ तक। तो अगर मैं संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूँ तो ये किताब एक पर्सपेक्टिव हमें दे रही है सतीश कुमार के जीवन का एक तरफ से, कि बचपन से लेके उनके जो अध्यात्म जीवन था, उनका स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट है उस पर उन्होंने कैसे कैसे लर्निंग करी, अनलर्न किया, रीलर्न किया, और फिर कैसे उनका विकास होता है। तो इसी कड़ी में पहला अध्याय किताब में भी उन्होंने चार इसके भाग लिए। तो इसी कड़ी में जो पहला भाग है उनके व्यक्तिगत जीवन का, उसमें सबसे जरूरी है कि उनकी माता, उनके शिक्षक और उनके धर्म गुरु जो थे उनका उनके जीवन पे उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है उसकी बिगनिंग में क्या अहम योगदान रहा। तो उनकी माता जो थी वो एक साधारण परिवार से थी और धार्मिक महिला थी, तो साधारण परिवार से थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, राजस्थान का अपन सबको ही मालूम आज से 50-60 साल पहले की स्थिति, 70-80-100 साल पहले की स्थिति। तो ये जो किताबें पढ़ने का प्रिविलेज हम पढ़े लिखे लोगों के पास में है ये उनके पास नहीं था, लेकिन उनके पास जो था वो बहुत यूनिक था कि एक किसान परिवार से आने के बावजूद उनके जो एक्सपीरियंसेस थे और उन्होंने जो अनुभव किए उन अनुभव को अनुभव करने की उनकी जो कला थी वो बहुत ही ऐसे कम देखने को मिली। तो उन्होंने उनका जो जुड़ाव था प्रकृति के साथ में, पेड़ों के साथ में, जमीन के साथ में, इन सभी चीज़ों से उन्होंने ये सीखा
कि कैसे ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, ये इतना इंटरकनेक्टेड है कि इससे सेपरेट करके खुद को देखना मुमकिन ही नहीं। तो यहीं से ये जो आइडिया उनकी माता के साथ में रहते हुए जो बातचीत कहानियां उन्होंने कही, तो ये यहीं से वो गणेश को होंगे, ये आइडिया धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है नीतीश कुमार कि कैसे वर्ल्ड को जो आई है वो है ही नहीं, वो एक इल्यूजन है और वो भ्रम हम खुद पैदा कर रहे हैं। तो इसमें फिर उनकी माता के साथ में वो चर्चा होते हैं, जैसे माता उनको जैसे सिंपल सा उदाहरण देती है, खेत में घूम रहे हैं उनको मधुमक्खी दी, अब वो मधुमक्खी का उदाहरण देके समझा रही कि मधुमक्खी कैसी मेरी गुरु है, कि मधुमक्खी कैसे मुझे सिखा रही कि हर फूल से मुझे कुछ लेना है और हर फूल को मैं कुछ दे रही हूँ और यही मैं हूँ और यही वो फूल। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो इसके अंदर दिए हुए हैं और जो अपन को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर उनके जो गुरु हैं वो ये जो जर्नी है उसमें वो बहुत छोटे हैं, तो वो सक्रिय रूप से भागीदार नहीं है, लेकिन वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, जैसे सभी बच्चे करते हैं वातावरण से। तो इसी में उनके गुरु जो थे, उनके गुरु और उनकी माता के बीच में जो बातचीत होती थी उसी से वो सीख रहे थे। तो उनके गुरु और माता के बारे में जैसे एक का अगर मैं उल्लेख करूं कि पेड़ है ये बड़ा हो गया, मिट गया, तो ये मरा नहीं, इसका परिवर्तन हो गया, ये दूसरी फॉर्म में जिंदा हो गया। इसी को फिर वो जो धर्म के उनके ग्रंथ थे, जो कहानियां थी, उनसे जोड़ के देखते हैं कि कैसे शिव विष्णु और ब्रह्मा तीनों ये जो है एक साथ ही कार्य कर रहे हैं कि जन्म दिया ब्रह्मा ने, विष्णु आपको बड़ा कर रहा है, शिव आपको खत्म कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे ही जन्म हुआ तो उस समय जो फिगर्स था उसका जो मौत हुई वहां पे भी शिव काम कर रहा है। तो हर प्रोसेस में ये तीनों इतने गुथे हुए हैं कि आप उनको सेपरेट करके देख ही नहीं सकते। इस पे उन्होंने जो चर्चाएं सुनी उनसे उनका जो व्यक्तित्व निखरा, वो शुरुआत से ही जो अध्यात्म का उनका सफर था, जो स्पिरिचुअल उनकी लाइफ की जो जर्नी थी वो वहीं से शुरू हो रही। फिर उनके पिताजी का देहांत हो गया और उनकी माताजी इस बात को लेके काफी चिंतित थी कि उनके पिताजी नहीं है, तो वो बहुत बार ऐसे जब कोई खुशी का मौका होता था तो भी ऐसे दुख दिखाती थी कि अरे तुम्हारे पापा होते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। तो ये वो उसी अंतराल में वो उनकी माता धार्मिक महिला थी, तो वो उनके जो धर्म गुरु थे लाडनू में, नागौर में एक जगह है लाडनू रास्ता में जहाँ पे जैन जो प्रैक्टिस है उनका गुरु रहता है जिसको वो तुलसी बोलते हैं, तो वहाँ पे उनका आना जाना रहता था। तो सतीश कुमार उनसे पूछते हैं एक बार कि अपने गुरु से पूछते हैं कि ये जो डेथ है ये खत्म कहाँ हो रही है। तो उस सवाल से फिर उन्हें जो इस संसार को त्यागने का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में उनका गुरु से थोड़ी सी वार्तालाप होती है, क्योंकि गुरु सोचते हैं कि तो बच्चा ऐसे बताने की जरूरत है। फिर उसके बाद में वो अपनी माता से और उनकी कहानियां चलती हैं और फिर आगे बातचीत होती है। तो फिर 9 साल की उम्र में सतीश कुमार ऑफिशियली रिनाउंस कर देते हैं मंडल को और वो उनका जो गुरु का मंडल था वो ग्रहण कर लेते हैं और फिर वो प्रैक्टिसेस करते हैं जो जेम्स की प्रैक्टिस है, जो 5 प्रिंसिपल्स हैं उन पे फिर वो अवलोकन करते हैं उनका, उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। 9 साल तक वो ये प्रैक्टिस करते हैं, जब 18 की उम्र में आते हैं तब उन्होंने एक किताब पढ़ी गांधी की आत्मकथा, और उस किताब को पढ़ के उनका जो बहुत फाउंडेशनल बिलीफ था, जिस बिलीफ पे उनका पूरा स्ट्रक्चर चल रहा था कि रिलीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, रिनाउंस करने से तुम बहुत वो संसार की जो सफरिंग इससे बच सकते हो, वो डेट है ही नहीं तो तुम किसी से अटैच नहीं हो, इस जो बिलीफ है इसको उस किताब की लर्निंग्स ने झिझोड़ के रखी। अब गांधी जो कह रहा था उन्हें, वो ये कह रहा था कि तुम्हारा पड़ोसी वो जब दुख में है, वो जब सफर कर रहा है इस वर्ल्ड में, वो
ये सब परेशानियां वो झेल रहा है, तो फिर तुम कैसे रिनाउंस करके वर्ल्ड को ये देख सकते हो कि तुम स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर रहे हो या तुम निर्वाण कैसे कर सकते हो। तो गांधी के लिए इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिज्म और सोशल जो स्पिरिचुअलिटी है वो अलग नहीं है। उसके हिसाब से जो निस्वार्थ सेवा का भाव है वही तुम्हें तुम्हारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके आगे लेके जाएगा। तो ये जब बात हुई, ये जब बिलीफ काउंटर बिलीफ उनके जहन में आता है तो वो नए सिरे से सोचना शुरू करते हैं और फिर वो अपनी माता से अपने गुरु से बात करते हैं। उनके माता और गुरु उनको कोशिश करते हैं, वो बताते हैं कि ये क्यों एक स्ट्रक्चर है, क्यों ऐसा बना है धर्म वाला, कि क्यों जरूरत है अनाउंस करने की, लेकिन वो कन्विंस नहीं होते हैं और फिर वो फाइनली त्याग देते हैं। तो ये फिर उनके जीवन में दूसरा जो पहलू है वो शुरू होता है, जिसको वो कहते हैं कि ऐसे वापसी, संसार में वापसी। और इस वापसी में वो एक तीर्थ यात्री की तरह निकलते हैं और लोगों से मिलते हैं। पहला उनका ये था कि उन्हें गांधीयन से मिलना है, कि गांधी नहीं थे उस समय, तो गांधीयन से मिलना था। उस समय विनोबा भावे केरला में थे, तो वो यहाँ से केरला जाते हैं और केरला में विनोबा भावे से मतलब मिलने का पूरा बंदोबस्त करते हैं और फिर उसके उनका बातचीत होता है कि मैंने जो किया है वो इस उद्देश्य से किया है, इस पे आपकी क्या राय है। तो फिर उनकी जो समझ है वो उन्हीं बातचीतों में अपन को डेवलप होती हुई दिख रही है कि वहां पे वो विनोबा भावे उसे कहता है कि चल मेरे साथ चल, वो कर मेरे साथ पैदल बिना नशों के लोगों के साथ में मिल। विनोबा भावे जा रहे हैं जमींदार जो सोशल स्टेटस जिनका हाई है उनसे जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उसी बातचीत में लोग उसे अपने जो संपत्ति है वो दान कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग चीज है कि ऐसे बातचीत करने से कोई किसी को ऐसे कैसे अपनी संपत्ति जिसका प्रलोभन पूरे जीवन भर इंसान करता है वो कैसे दे सकता है। तो उस सफर में वो देखते हैं कि ये जो निस्वार्थ भाव से कार्य करने का जो पूरा प्रोसेस है इसके अपने क्या क्या फायदे हैं, किस हिसाब से ये जर्नी शुरू होती है। तो फिर विनोबा भावे से वो सीखता है कि इंडिविजुअल का जो स्पिरिचुअल जर्नी है और समाज का जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो एक दूसरे से जुड़े हुए और फिर इसी पे वो जो जर्नी है वो यहीं से कंटिन्यू होती है कि आप खुद को सेवा में लगा दीजिए सोसाइटी की और उसी सेवा में आप खुद को जानने की जो प्रोसेस है उसको पा सकते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा पहलू आता है, ये अपने जो दर्शन है उसमें एक दर्शन है कि आप निस्वार्थ भाव सेवा में लगाइए और फिर आप बेहतर जान रहे हो। फिर उसके बाद में उनका एक दोस्त था जिसने उनको कृष्णमूर्ति भी उनकी कहानी भी इसी तरह की है कि बहुत छोटे थे तो उनको छोटे से ही ऐसा कहा कि ये वर्ल्ड टीचर बनेगा, ये धर्म बनेगा जो सबको सेव करेगा, सबको सत्य का मार्ग दिखाएगा। और उन्होंने प्रैक्टिस किया, उनको टीचिंग्स मिली पहले, फिर उन्होंने जो टीचिंग्स हैं वो आगे भी बढ़ाई, खुद एक्सपीरियंसेस किए और एक समय पर उन्होंने वो छोड़ दिया जो उन्होंने अपनी सीट बनाई थी वर्ल्ड टीचर, वो उन्होंने ये कहते हुए छोड़ दिया कि सच कॉन्स्टेंट नहीं है। तो ये जो रिवोल्यूशन, ये जो आइडिया था ये बहुत सिमिलर था उन दोनों में कि उन्होंने पहले रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करी है और फिर उसे त्यागा है इस उम्मीद के साथ कि वो इनकम्प्लीट थी और वो उनको सही मार्ग में नहीं लेके जा रही, भटका रही है। तो इसके बाद वो दोनों मिलते हैं बनारस में जो बहुत धार्मिक जगह के रूप में देखी जाती है, वहाँ पे बातचीत होती है सत्य को लेके कि सत्य क्या है। तो उस बातचीत में कृष्णमूर्ति कहते हैं कि
कि जैसे ये सवाल था सतीश कुमार का, ये सवाल था कि क्या रिलीजन में वो कुछ सच नहीं है क्या, क्या किसी किताब में कुछ सच नहीं है क्या, गीता कुरान बाइबल ये सब झूठी है क्या? तो एक सिंपल सा जो जवाब था वो ये था कि हाँ है, क्योंकि अगर सच होता तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। जहां भी कॉन्फ्लिक्ट है वो है सत्य है। ये जरूर हो सकता है कि ये जो किताबें हैं ये किसी का एक्सपीरियंस सच है, लेकिन उस एक्सपीरियंस सच को तुम्हें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। वो कौन से जो है वो सच नहीं है जो वहां लिखा हुआ है, तो इस पे फिर उनकी बातचीत होती है कि सच है वो क्या है, सच के मार्ग क्या है। इसमें फिर वो ये खोजते हैं कि कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, मतलब वो उनके अलग कंक्लूजन है। मैं यहाँ संक्षेप में कह रहा हूँ कि कंक्लूजन पे ये कि हर इंसान को अपना सच खोजने की जरूरत है। सच जो रियलिटी है वो हर समय बदलती रहती है, तो अगर आप एक कॉन्स्टेंट को ये मान रहे हो कि ये सच है तो आप धोखे में हो, और अगर आप दूसरों को बता रहे हो कि ये सच है तो आप धोखा कर रहे हो। तो जो सच है वो परिवर्तनशील है और वो बदलता ही रहेगा। फिर ये जो दर्शन था, ये जो फिलोसफी था उनका, ये ईस्टर्न जो टच है, ईस्टर्न फिलोसोफर्स है, इनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड था। और उसी समय 1961 में बर्टन रसेल को अरेस्ट किया गया था। उस समय वो प्रोटेस्ट कर रहे थे न्यूक्लियर जो बॉम्ब है उनके खिलाफ। तो बर्टन रसेल 90 की उम्र के थे उस समय, और उन्हें अरेस्ट किया गया। तो वो सतीश कुमार के लिए एक ऐसे टर्निंग पॉइंट था कि अभी मुझे वहां जाना है, मुझे मिलना है। वो इंसान जो 90 साल का है वो अभी भी इस जद्दोजहद में लगा हुआ है कि पीस इस्टेब्लिश हो सके। और बर्टन रसेल का अपन सभी को मालूम है, वो एक लॉजिशियन था, फिलोसोफर था, रेशनलिस्ट था, तर्क पे उसका पूरा जो फलसफा है वो चलता था। तो अगर जैसे ये था भी कि बर्टन रसेल को कोई पूछे कि न्यूक्लियर बम क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो उनके पास तार्किक जवाब था कि करेंगे तो ह्यूमन स्पीसीज खत्म हो जाएगी, तो इसकी करने की जरूरत ही नहीं है, बनाने की ही जरूरत नहीं है। लेकिन सतीश कुमार जब उनसे मिले, जब उनकी बातचीत हुई, तो सतीश कुमार का जो उनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट था वो ये था कि आप जो बीमारी है उसकी सिम्टम को काउंटर कर रहे। न्यूक्लियर बॉम्ब बीमारी नहीं है, ये बीमारी की समस्या है। हम न्यूक्लियर बॉम्ब की सभ्यता तक पहुंचे कैसे, ये सवाल है जो हम लोगों को, या फिर जो भी लोग कंसर्न है समाज को लेकर, उन सबको सोचने की जरूरत है। तो इसके फिर बर्टन रसेल का उनका अलग ओरा था, उसकी अपनी अलग पर्सनैलिटी थी, अलग उसकी वो आइडियाज थे, उनमें मतभेद रहता है। और दोनों एग्री होते हैं कि जो प्रेजेंट बर्टन रसेल का स्टैंड है वो जरूरी है इस समय के लिए, क्योंकि अभी आप सब लोगों का जो अंतरात्मा है या फिर उनका जो फाउंडेशनल बिलीफ है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें समय लगेगा, लंबा प्रोसेस होगा। लेकिन बातचीत फिर यहीं पे आती है कि हमने इतने समय से जो तार्किक जो क्षमताएं हैं, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग हो, भले ही तर्क से जुड़ी हुई जो दूसरी अपनी विशेषताएं होती हैं वो हो, इन पे इतना फोकस हुआ है कि जो इंटरकनेक्टेडनेस है, जो द्वैतवाद जिसको बोलते हैं ड्यूलिज्म, द्वैतवाद का इतना ज्यादा प्रचार हुआ है, उसका इतना ज्यादा वर्क हुआ है पिछले 100-150-200 सालों में उस फिलोसफी का, कि जो कनेक्शन है
कि चीजें एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, वो लॉस्ट हो गया। न्यूक्लियर वेपन में भी कि हम दूसरे पे इसलिए अटैक ना करें क्योंकि वो भी इसी अर्थ का हिस्सा है, नेशन है, ये डिवाइड कर रहा है। नेशन आपको एक साथ लाने के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहा। तो ये जो नेशन का आइडिया, जो राष्ट्र का आइडिया है, इस पे फिर से सोचने की जरूरत है। इससे हम दूर जा रहे हैं कहीं ना कहीं ड्यूलिस्टिक फिलोसॉफी में। तो फिर यही जद्दोजहद चलती है जीवन में कि ऑर्डर जरूरी है, लेकिन कैसे। फिर इसी से जुड़ा हुआ उनका आगे जो मिलना होता है वो होता है मार्टिन लूथर किंग से। मार्टिन लूथर किंग से उनकी बातचीत होती है, पहला सवाल उनका यही रहता है कि आपकी पीस पे क्या राय है, क्या मानना है आपका, पीस क्यों। तो मार्टिन लूथर किंग बहुत साधारण सा जवाब देते हैं, क्यों नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पे भी, तो आपसे ज्यादा खुद का नुकसान कर रहा हूं। इस तरह से वो ये कहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो वाइट्स के साथ नहीं, वो ये लड़ाई है कि हम जस्टिस ले पाए। तो ऑर्डर है, उससे पहले जस्टिस जरूरी है। अगर स्ट्रक्चर में जस्टिस होगा तो ऑर्डर अपने आप आ जाएगा। फिर उसमें वो मतलब बहुत सारे उदाहरण भी उस समय के, मतलब जो उस समय के थे वो दिए जाते हैं उसमें, कि कैसे ये बहुत जरूरी है कि आप जो हर इंसान है उसको एज ए इंडिविजुअल देखें और उस इंडिविजुअल को एक सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ और इक्वल भागीदार देखें, और उस इंडिविजुअल में सिर्फ ह्यूमन नहीं आता है, उसमें सभी स्पीसीज आते हैं। तो ये जो इंटरकनेक्टेडनेस का उनका जो बचपन से ही उनकी माँ से लेके फिर उन्होंने जो तीर्थ यात्राएं करी, तीर्थ यात्रा इन द सेंस कि उन्होंने जो जर्नीज करी पैदल बिना पैसों के सिर्फ लोगों के सहायता से, उसमें उनका ये जो बिलीफ था इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड का, एक दूसरे से जुड़ाव का और उस जुड़ाव में सीखने का, ये और ज्यादा मजबूत होता गया। तो इसीलिए वो उनका जो वर्तमान जो कार्य है एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण पे, वो इसीलिए और ज्यादा मजबूत उनका बिलीफ इस पे बन रहा है। उनको जो एक जनरल क्रिटिसिज्म जब आता है रेशनलिस्ट की तरफ से, तर्कवाद की तरफ से, तो वो यही रहते हैं कि ये बहुत आइडियल बात है। तो एक सिंपल सा जवाब उनका रहता है कि आपके रियलिज्म ने क्या दिया है इस दुनिया को, आप देखिए आज क्या क्या मतलब हो रहा है इस दुनिया में। आज की घटना थी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, तो ये जो नफरत फैलाई जा रही है ये कहाँ से आ रही है। और सतीश कुमार का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि ये जो ड्यूलिज्म की जो फिलोसफी है और ये जो जीवन में हमने अपनाया है, हमारी सभ्यता ये जो ईगोसेंट्रिक सिस्टम पे इस्टेब्लिश हो गई है, इसी के कारण हमारे हर चीज को तोड़कर समझने की जो प्रोसेस है उसके कारण हम कॉन्फ्लिक्ट में रह रहे हैं। और ये जो समझने की प्रोसेस है उसमें हम भूल जाते हैं कि आप एक हिस्सा ही समझ पा रहे हैं, सच तो आप तोड़ रहे हैं। रियलिटी जो है, सत्य जो है, वो टुकड़ों में नहीं है, और वो एक्सपीरियंस करने के लिए वो आपको कॉन्स्टेंट भी नहीं मिलेगा, वो आपको कहीं दूसरे से भी नहीं मिलेगा, वो आपको एक्सपीरियंस करना है। और इसी एक्सपीरियंस में जब अपन गांधी को फिर से जोड़ते हैं तो अपन ये देखते हैं कि वो जो एक्सपीरियंस है वो हम सबका एक साथ है। अपन एक दूसरे की कहानी में कोई चीज कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तुम सब के बिना मैं यहां पर नहीं खड़ा हो रहा हूं। तो ये जो कहानी अपनी एक दूसरे से इतनी गुथी हुई है, इसमें मैं खुद को आप सभी से अलग करके नहीं समझ सकता कभी। तो समझने की प्रोसेस हमेशा साथ ही चलेगी, सोसाइटी के साथ ही चलेगी,
और इसी में भले ही वो आध्यात्मिक पहलू हो या कोई दूसरा पहलू, वो उसकी जो प्रक्रिया है वो सबके साथ से ही संभव है। फिर इसमें जो द्वंद शुरू हुआ था उनके जीवन में कि अकेले के सफर से, फिर समाज के साथ सफर से, फिर कृष्णमूर्ति के पास जब आते हैं तो वो सफर आता है कि तुम्हें इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। इसमें फिर वो वही खुद को खड़ा हुआ देखते हैं कि अगर कुछ सत्य है ही नहीं तो फिर इन सब का भी क्या मतलब। अगर सत्य एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो फिर रिलीजन किसका मतलब। तो कृष्ण कुमार ये वर्तमान के लिए बहुत प्रासंगिक है ये चीज जो हम देख भी रहे हैं कि हर रिलीजन क्या कर रहा है, भले वो कोई भी रिलीजन हो, हिंदू हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिज्म हो, इन सब की वर्तमान वास्तविक स्थिति क्या है। जैसे ही इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है रिलीजन वो खत्म हो जाता है। तो इसी पे फिर उनमें वापस से द्वंद शुरू होता है, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है वो, कि फिर जो रिलीजन है उसकी टीचिंग्स का क्या। जो हम बात कर रहे थे कि समाज के साथ में लेके चलना है, फिर हमें पॉलिटिकल पार्टी भले हो या कुछ आपके रिफॉर्म करने के दूसरे तरीके हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, तो वो तरीके फिर कहाँ से आ रहे हैं जब सत्य है ही नहीं। कुछ आइडियल्स क्या है आपके, तो फिर ये सवाल फिर से उठता है कि आइडियल क्या है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस में तो होते हुए जाते हैं। और फिर जो सबसे जरूरी बात है जो हम सब भी अनुभव कर ही रहे हैं यहाँ पे, वो है एजुकेशन। कि जब अपने पास में कोई एक सत्य नहीं है, हम इतने कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा इंसान बने जो हर समय उस सत्य की राह पे है, हर समय वो खोज रहा है कि सत्य क्या है, वो जानना चाह रहा है, अनुभव करना चाह रहा है, लेकिन वो किसी का दिया हुआ नहीं मान रहा, सिंपली कि ये इस किताब में लिखा है, ये गीता में लिखा है, कुरान में लिखा है, कहीं भी लिखा है। तो हम जब चाह रहे कि ऐसा इंसान मैं खुद बनूं या फिर लोग समझे इस चीज को, तो फिर ये प्रक्रिया शुरू कहां से होगी। क्या पॉलिटिकल पार्टी इसमें कुछ योगदान देगी, क्या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को योगदान दे रहे हैं। तो इसी में फिर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो मुझे लगता है वो शिक्षा का, कि शिक्षा से आप ऐसे जो इंडिविजुअल हैं उनके निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, जो आपके आइडियाज नहीं मान रहे पर आपकी प्रोसेस जो है उसको एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, वो खुद खोज रहे हैं अपने मार्ग, उनके रास्ते और उनके लिए सत्य क्या। क्योंकि अगर अपन इसी डिस्कशन में जब कृष्णमूर्ति की जब बात आती है, तो कृष्णमूर्ति के बहुत सारे जो रेफरेंसेज हैं वो एंशियंट इंडियन फिलोसफी से थे, कि सत्य तो एक नहीं है, बहुत सारे। और फिर वो एक मेटाफर देते हैं कि जैसे पानी है, पानी बर्फ में उसका अलग फॉर्म है, बोतल में अलग फॉर्म है, रिवर में अलग है, टेस्ट भी अपन सबको अलग अलग लगेगा, लेकिन वाटरनेस जो है उसका वो अलग हो सकता है। तो सत्य सबके लिए अपना अपना हो सकता है, और अपना अपना होते हुए भी सत्य एक हो सकता है, लेकिन ये जो रास्ता है, ये जो प्रक्रिया है, प्रोसेस, ये इंडिविजुअल को डिसाइड करना है। कोई भी धर्म, कोई भी स्पिरिचुअल गुरु अगर इम्पोज कर रहा है तो फिर वो सत्य नहीं हो सकता है।
इस फिलोसफी के साथ में फिर वो आगे डिस्कस होता है उस पर। फिर वो इन्वायरमेंट जिससे वो जुड़े हुए हैं उन पे उनका आगे ज़्यादा बातचीत होता है कि कैसे वर्तमान जो मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम है वो पूरा इसी पे बेस्ड है कि आप ज़्यादा पैसे कमाइए, पुअर हैं उनको पैसे दे दीजिए वो भी ठीक हो जाएंगे, और अपना जो सोशलिज्म है इसी तरह से फंक्शन कर रहा है मजबूरी में, अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो फिर उसमें एक अध्याय इसी पे इस पर भी है कि गरीबी है उसको आप देख कैसे रहे, इस पे फिर वो कंक्लूड करते हैं उनके जो आइडियाज हैं कि गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसे कम है, ये तो अपने वर्तमान जो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है उसके कारण हम ऐसे एक नजरिया हमने विकसित कर लिया है, इस समाज का नजरिया विकसित कर लिया है कि गरीब जिसके पास पैसे नहीं है, आपने पैसे ले दिए अमीर हो गया, सुविधाएं ज्यादा हो गई और दिखावे में ज्यादा वो हो गया, जो चीजें अननेसेसरी हैं वो भी आप इस्तेमाल करने लगे हो। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है। तो फिर वो गरीबी को कैसे डिफाइन करें, फिर वो गांधी के सर्वोदय पे आते हैं कि आपका उतना ही है जितना आपका हिस्सा है और आप उतना ही इस्तेमाल करो जितना आवश्यक है, उससे ज्यादा अगर आप कर रहे हो तो आप अनएथिकल हो, फिर आप गरीब हो। और ये इस पे जब आगे बात करते हैं वो, तो वो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो सिर्फ इसलिए फंक्शन नहीं करना चाहिए कि इससे हमें पैसे मिल जाए, या फिर हमारे उद्योग धंधे हैं वो इसी से चल पा रहे हैं। हमें इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उनके साथ में जोड़ के और एक लिबरेटेड स्ट्रक्चर के रूप में देखना होगा कि हम जैसे हम बात करें कम्युनिज्म का, तो जो समाज का सच जानने की जो कोशिश है वो कैपिटलिज्म के इंडिविजुअल को फ्रीडम देने से अलग जरूर है, पर इन दोनों को जोड़ के ही आप सर्वोदय के स्टेट तक पहुंच सकते हो। सर्वोदय जो गांधी का आइडिया है कि हर स्पीशीज सिर्फ इंसान नहीं, उनकी उतनी ही भागीदारी है इस प्रकृति को बनाने में जितनी मेरी, और हम एक दूसरे से इस तरह से गुथे हुए हैं कि एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं। तो ये एक उस किताब का पूरा जो अंडरस्टैंडिंग था, समझ था, और कैसे ये अभी अगर हम देखें इसको, हम सभी लोग इस जद्दोजहद से गुजरते हैं कि अब CSR वाली ज्यादा रुपए वाली नौकरी करें या फिर हमारे आइडियाज को फॉलो करते हुए कुछ बेहतर चुने, और इसमें गांधी या फिर ऐसी किताबें या ऐसे विचार लोगों से, बहुत सारे लोग जो एक्चुअल में जी रहे हैं वो हमें बहुत मदद करते हैं एक स्पष्ट अपना मत बनाने में कि दोनों अलग अलग नहीं है। पदार्थवाद में रहना एक्सट्रीम वो गलत हो सकता है, पर पदार्थवाद आपकी जरूरत हो गई है। इसी तरह से पदार्थवाद को पूरी तरह से नकार देना और संन्यास ले लेना वो भी रास्ता नहीं हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सनल अनुभव है या राय है उसमें आप ये चुनो, पर उसी में फिर जद्दोजहद वापस आती है, जो डिस्कशन जो लूप बनता है वो फिर वापस खत्म होता है, फिर वापस लूप बनता है, जो चक्र है वो इसी में चलता है।
तो ये हम सभी भी अनुभव कर रहे हैं अपने पर्सनल लेवल पे और सामाजिक स्तर पर भी, कि कैसे अपने ही किसी करीबी को ये महसूस करवाना कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और सिर्फ पैसों के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन रास्ता वही कि सबका अपना अपना। और फिर दूसरा, ऐसे किताबों से और व्यक्तिगत अनुभव से लोगों के, उन सबसे अपन को बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जो पर्सनल क्योरीज हैं वो भी इसी तरह से एक अपना ओपिनियन बनाने का मौका मिलता है इन्हीं प्रोसेस के द्वारा। तो इसलिए भी ये जो सिलसिला है किताबों पे चर्चा का, ये इसीलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम पर्सनल उस जर्नी में जब थोड़े से व्याकुल हो रहे थे तो उस व्याकुलता में हमें जो सहारा मिला दूसरों के अनुभवों का, उसने कितना अहम किरदार निभाया और वो अहम किरदार दूसरों के जीवन में भी निभा सकता है। तो अभी अपन सवाल जवाबों के लिए रुकते हैं। कि वी एज एन इंडिविजुअल एग्जिस्ट, बट लेकिन इतना भी नहीं कि हम मतलब सब कुछ अपने हिसाब से कर सके, तो फिर फ्री विल का क्या, वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है सब आपके हिसाब से, सतीश कुमार के इस आइडिया में? अच्छा, एक एक ऐसे तो जो भारतीय दर्शन है या जिससे सतीश कुमार अपने एक्सपीरियंसेस कनेक्ट करते हैं, अनुभवों को जोड़ते हैं, उसमें फ्री विल का बहुत अच्छे तरह से अलग डिस्कशन है। उसमें उनका मानना है कि एग्जिस्ट करती है और वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वो इस डिस्कशन से भी अपन अगर इन्फर करना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है और जो आई है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जो सेल्फ है, मेरा सेल्फ वही है जो हम सबका है और हम सबका सेल्फ वही है जो मेरा है, तो जो द्वंद्व है मैं और तुम सब और मैं, वो फ्री विल के क्राइटेरिया में नहीं आता है। कि ये द्वंद्व आएगा ही नहीं कि मैं वर्सेज यू, मी वर्सेज यू। तो उस दर्शन में फ्री विल एग्जिस्ट करती है इस सेंस में, लेकिन अगर अपन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड को जो एक आइडिया है उसको बेहतर से देखें कि हम एक दूसरे से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं, भले ही वो खाने को लेके हो, भले ही वो ज्ञान को लेके हो, भले ही अपने जो आइडियाज़ हैं, जो आइडियल्स हैं, जस्ट इक्विटेबल ह्यूमन सोसाइटी, उनको लेके हो, ये हम सभी के लिए हैं। तो जब अपन बात करते हैं कि फ्री विल, कि मैं जो चाहूँ वो कर दूँ, वो फ्री विल अपन, वो जो कॉन्सेप्ट है फ्री विल का, उसको गलत ले रहे हैं कि मैं जो चाहूँ वो कर दूँ, मैं किसी को मार दूँ। लेकिन जब तुम इंटरकनेक्टेड एक्सपीरियंस कर चुके हो, तुम जिसे मार रहे हो तुम उसी में हो, तो तुम सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहे हो उस समय। तो वो जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है वो एक इंसान जो ये एक्सपीरियंस कर रहा है कि इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है वो इग्नोर करता है। इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट को अगर अपन दूसरी तरह से देखें
कि कोज एंड इफेक्ट जो है, कि हर काम जो हो रहा है उसका कोज है, और तुम काम कर रहे हो इसलिए कर रहे हो कि वो एक कोज से जुड़ा हुआ है। अभी मैं यहाँ इसलिए खड़ा था क्योंकि हमने एक मंच बनाया है। मैं यहाँ इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि एक मंच है। तो इसमें जब फ्री विल का द्वंद जो आता है वो इसीलिए आता है कि फिर सवाल ये आता है कि फिर मेरा क्या, क्या मेरे पास ऑप्शन था क्या कि मैं यहाँ पे आऊँ और ना बोलूँ। इसको जब बायोलॉजिस्ट दूसरे सेंस में देखते हैं कि मैं किसी को थप्पड़ मार रहा हूँ, तो जो सेल्स हैं, नर्व सिस्टम है, वो पहले से एक्टिव रहता है। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, तुम्हें गुस्सा है, तुमने मारा है, फ्री विल डजंट एग्जिस्ट। लेकिन ये जो दर्शन जो है ये इस तरह से तोड़ के चीजों को नहीं देख रहा है, इसका एसेंस जो है वो जोड़ने में, कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, तोड़ के पड़ रहे हो तुम मुझे, मुझे और तुझे। तो वो तोड़ना जब अपन बंद कर देते हैं तो फ्री विल का जो सवाल उठता है वो उठना बंद हो जाता है। तो जैसे अरविंदो घोष, वो जब फ्री विल पे बात करता है तो सिंपल सा है उसका, कि तुम जब इस वर्ल्ड से कनेक्टेड हो और अज्यूम करो कि ये वर्ल्ड एक बीइंग है, कोई भी बीइंग हो सकता है, वो बीइंग है, तो तुम्हारे अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। आपने खुद को ये जो वर्ल्ड है उसमें इस तरह से न्योछावर कर दिया कि आपके और इसके जो आइडियल्स हैं वो अलग हैं ही नहीं, आपके रास्ते अलग नहीं हैं, आपके डिजायर्स अलग नहीं हैं, आपके सोचने के तौर तरीके अलग नहीं हैं। आप इस तरह से गुथे हो उस बीइंग के साथ में, तो वही आपकी फ्री विल है और वही चल भी रही है। कॉन्फ्लिक्ट जो दिख रहा है ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हम तर्क पे देख रहे हैं कि मैं वर्सेस यू, ये एक पहलू हो सकता है, बाकी कोई दूसरा भी रख सकता है। मतलब ये जो विमर्श टू वे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे सवालों का जवाब इनके पास, हाँ। बाकी लोग भी अपने व्यूज रखेंगे इनकी बातचीत में, तो थोड़ा विमर्श हो पाएगा। तो एक थॉट से जुड़ा हुआ एक पहलू था, एक थॉट इससे जुड़ा हुआ ये भी समझ में आता है कि मतलब कई बार जो फ्री विल की बात लोग किसी सेंस विशेष में या किसी खास कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, दूसरे लोग उसको उससे इतर भी करते हैं। अब फ्री विल का अगर दो तरह की जो डेफिनेशन हो सकती है कि एक तो फ्री विल को मैं इस तरह से परिभाषित करूं कि मेरा अपना पर्सनल लाइफ है, मैं उसको कैसे देखता हूं, बाकी लोग उसको, बाकी लोगों का उसमें क्या इंटरफेरेंस हो सकता है, मतलब क्या दखल हो सकती है, एक तो एक सीमित दायरा उसका ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि मैं अपना जो विल है उसको बहुत सीमित अर्थों में ना देखूं, उसको मतलब मैं मुक्त हो जाऊं अपने आप से, है ना, और किसी भी तरह का अटैचमेंट लोग देखते हैं ना, वो उस तरह के बहुत नैरो अटैचमेंट के साथ में मैं अपने आप को इस यूनिवर्स के साथ में ना जोड़ूं। तो दो कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, मुझे लगता है कि आप फ्री विल को कैसे परिभाषित करते हैं। इसी में अगर मैं सोचूं कि ये जो दूसरा पहलू था कि ये मेरे दिमाग में क्यों आया कि मैं अपने आप को पूरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड करूं, इसका भी कुछ एक्सटर्नल रीजन होता है, और वो अगेन इट कम्स इट फिनिशेस द सर्कल, क्योंकि ये फिर फ्री विल के कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। देयर इज नो सच थिंग एज फ्री विल। छोटे से छोटा डिसीजन या बड़े से बड़ा डिसीजन जो हम ले रहे हैं, हम बोल ही नहीं सकते कि मेरी चॉइस है या मैंने बिना आउटसाइड फैक्टर्स को कंसिडर किए ये लिया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा कुछ भी कदम हो किसी और को अफेक्ट ना करे। तो फ्री विल का मुझे लगता है इट कम्स बॉयल्स डाउन टू दिस पॉइंट कि हर चीज़ जो मैं कर रही हूँ, चाहे मेरा वो एक्शन हो, चाहे मेरा वो थॉट हो, चाहे वो मेरा शब्द हो, चाहे कुछ भी हो, वो मुझे तो अफेक्ट करता है बट मेरे इर्द गिर्द हर किसी चीज़ को भी अफेक्ट करता है। और जो वॉलंटियरिज्म या चॉइस, ये सारी बचकानी बातें लगती हैं, क्योंकि ये
उन चीज़ों के आसपास घूमती है, जैसे प्रिविलेज, या जब हम भूल जाते हैं कि सोसाइटी में क्या और लेयर्स होती हैं, जैसे कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, ना जाने कुछ, हर कुछ। बट जब भी फ्री विल का कॉन्सेप्ट आता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट एरिया के बारे में बात करें, समहाउ यू कनेक्टेड इट विद यू वर्सेस मी, बट मेरे लिए हो जाता है कि यू वर्सेस एवरीबडी एल्स। तो इट्स लाइक मेरे लिए तो वो जिस एरिया में भी बात करो ना, इट्स कम्प्लीटली डिस्कार्डेड, फ्री विल डजंट। नहीं, वही फिर वही बात आ गई ना कि हम फ्री विल को देख कैसे रहे हैं। जो सर ने कहा कि अभी आप जो देख रहे हो वो फ्री विल को देखने का अलग नज़रिया है, लेकिन जब अपन फ्री विल को ही ऐसे देखें, ये इंटरकनेक्टेडनेस ही है, फ्री विल ही इंटरकनेक्टेडनेस है, तो फिर आप वही देख रहे हो जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है, जो आपको, जिसको आप सत्य मान रहे हो या महसूस करने की प्रक्रिया में। इसमें एक थॉट और है, जो इंटरकनेक्टनेस की बात हो रही है ना, उसमें प्रॉब्लम वहाँ होती है, जैसे आपकी बातचीत में भी आया कि ब्रह्मा निर्माता है और विष्णु उसका उसको बड़ा करता है और शिव उसको खत्म कर देता है, टाइप है ना। तो मतलब इस तरह की कुछ चीजें हैं जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं और वो इस तरह से उनको ले लिया जाता है कि सारा सच इसी के दायरे में है। तो उस नोशन के साथ में हम चीजों को देखते हैं तो फिर हमारी अपनी अपनी मान्यताएं हो जाती हैं और उन मान्यताओं में ही हम उलझे रहते हैं और उनके साथ ही हमारे झगड़े चलते रहते हैं। तो प्रॉब्लम शायद वो जो जो सच है ना वो कॉन्स्टेंट नहीं है, उस थॉट को हम कैसे परसीव करते हैं और हम अपने सच को, और वो सच बदल रहा है, लगातार बदल रहा है, उस तरह के पर्सपेक्टिव को कितने लोग कैरी करते हैं और कैसे उसको लेते हैं, सवाल वो रिलेवेंट बन जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सपेक्टिव नहीं है और कोई चीज आया, कोई थॉट आया और उसको हमने वैसे के वैसे ले लिया और फिर अब उसी के साथ में हम रिजिड हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कृष्णमूर्ति इस बात को कहते हैं कि कोई भी गुरु या आपका जो जिसको भी आप बिलीव कर रहे हैं वो कुछ कह रहा है, उसको वैसे के वैसे आप फॉलो कर रहे हैं, वो उस पर बार बार सचेत करते हैं कि भैया हम साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम साथ इन्वेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मैं कह रहा हूँ उसको मान लो। आप उस जर्नी में शामिल हो तब तो आप उस तरफ जा रहे हो, तब तो मैं जो यहाँ बात कर रहा हूँ उसका कुछ अर्थ है। अगर ये मान लिया कि मैं जो कह रहा हूँ उसको आप फॉलो करोगे, फॉलोअर बन जाओगे, पर उसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, है ना। यू डिडंट गेट एनी डेस्टिनेशन टू फाइंड योर कॉन्फ्लिक्ट और रिजोल्व योर कॉन्फ्लिक्ट। मेरा ये आइडिया था कि हम फ्री विल को इंडिपेंडेंट एंटिटी मान लेते हैं। फ्री विल ऑफ व्हाट? तो कुछ डिसीजन लेने का, कुछ एक्शन करने का, कुछ विचार रखने का, उसका फ्री विल। तो वो एक्शन विचार वो कहाँ से आ रहे हैं? वो अपने आप से नहीं आ रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस कुछ एग्जिस्टिंग। तो फ्री विल में वो चीज़ें पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं कि फ्री विल ले रहे हैं हम, ये देश दुनिया जिसे हम परसीव कर रहे हैं उसके अंदर हमारी फ्री विल क्या है। अब ऐसा नहीं है कि हम एकदम जो चाहे वो कर लें, तो उसके लिए एक वर्ड हो जाता है वांट ऑन, कि मैं अगर जो सेकेंड थॉट या फिर जो मल्टीपल लेयर ऑफ थॉट होती हैं अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम वांट ऑन हो गए, या मेरे को किसी को मारना है मार दिया, मैंने सोचा भी नहीं, तो फिर वो फ्री विल नहीं है, उसे हम वांटोन कहते हैं। फ्री विल है कि अपने आसपास जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम सोच विचार करके कोई एक डिसीजन ले रहे हैं, वो फ्री विल में आ सकता है। फिर वही बात आती है कि इंटरकनेक्टेडनेस में फ्री विल एग्जिस्ट करती है, लेकिन फिर मेरे विचार में हर्ड और सोसाइटी में तो होता है। हर्ड में हर एक इंडिविजुअल का कोई, जैसे एक बेड बकरियों का झुंडा वो चल रहा है, उसका कोई फ्री विल थोड़ी है, वो भी तो एक झुंड ही है, फिर अपना भी एक ग्रुप है। लेकिन हम एज ए इंडिविजुअल भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, एज ए इंडिविजुअल उस समाज के हिस्से के रूप में, इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में नहीं। तो हमारी फ्री विल है, उस समाज के अंदर रहते हुए फ्री विल है, और एज ए इंडिविजुअल है, हर्ड नहीं है, एक सोसाइटी के रूप में। तो ये
complicated. But somewhere, it is always influenced by something. Maybe some incident, or maybe some friends, family, anything. It can be anything. So I feel that somewhere conscience also plays a big role on this. As he says that, ऐसे फ्री विल की अगर बात करें तो कोई कुछ भी कर सकता है, बट देन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वट काइंड ऑफ कॉन्शियस यूर कैर, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि जब हम फ्री विल की बात करते हैं, स्वतंत्रता की जब बात करते हैं, आज़ाद होने की जब बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक सजग स्थिति की आवश्यकता होती है वहाँ पर। हमेशा सजग रहने की आवश्यकता होती है कि क्या मैं किसी से प्रभावित हो रहा हूँ। अगर ये आपको पता चल रहा है तो आई विल है, अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि हो क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है, तब फिर आप झुंड में हो। तो वहां पर हमें सजग रहने की जरूरत है कि आप जो भी निर्णय बना रहे हैं, जितने ऑब्जर्वेशन से बना रहे हैं, जितने भी एनालिसिस से बना रहे हैं, और वो आपको पता है, तब आप अपने आप को एक एंटिटी या स्वतंत्र व्यक्ति कहेंगे। लेकिन फिर आप जब एनालिसिस करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हम इन्हीं से जुड़े हुए हैं, हम हैं, फिर मैं नहीं हूं। तो वो सजगता की आवश्यकता है हर ऑलवेज, हर पल, हर क्षण। वो तब हम कहेंगे हम। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन सजगता इसमें बहुत जरूरी है। नहीं तो तीन स्थितियां हमेशा होती है। हाँ, एक इड होता है, एक ईगो होता है, और एक सुपर ईगो होता है। इड तब है जब पूरी दुनिया का आप पे इतना कंट्रोल है कि आप खुद को नहीं जानते, आपका खुद पे कुछ कंट्रोल नहीं है, तो आप बस किसी के वश में। तो वो एक एक्सट्रीम हो गया। दूसरे स्कूल में सुपर ईगो, जहाँ पे किसी का आपके कुछ नहीं, आप बस मन मौजी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इधर चोरियाँ हो रही हैं, इधर कुछ और हो रहा है, इधर ही सोसाइटी एब्सर्ड तरीके से पूरा आउट ऑफ कंट्रोल जाती है। और उसका एक बैलेंस बीच में आता है जिसको कहते हैं ईगो। ये इसका भी थोड़े कुछ एलिमेंट्स, इसके भी थोड़े कुछ एलिमेंट, तब जाके एक थोड़ा फ्री तो नहीं कह सकते, बट एक बैलेंस्ड ह्यूमन बींग बनता है। उसी को जो भारतीय दर्शन में वो जो तीन गुण बताए गए हैं, तीन सूत्र हैं, क्या कहते हैं उनको, सत्व, रज और तम, वही है वो स्टेज जिसमें रजत्व ज्यादा प्रधान है। जो सजग लोग होते हैं वो रजोगुणी होते हैं। गुण कहते हैं इनको, तीन गुण, इनको हम ईगो कह रहे हैं, सुपर ईगो कह रहे हैं, जो भी वो इस तरह से। तो क्रियाशील, सजग क्रियाशील, एक तो बहुत आत्म सत्व जाग गया है, अब आपका इस सोसाइटी से कोई लिंक नहीं है। आप देख तो रहे हैं सबको, ये हो रहा है, लेकिन आपकी कोई भागीदारी नहीं उसको सुधारने में। दूसरा आता है सक्रिय, देख रहे हैं और आप इंटरेक्शन भी कर रहे हैं। तीसरा आता है आपको कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल अंधेरे में है। तो यहां से डिफाइन कर सकते हैं कि हम कहां हैं, और फिक्स है ही नहीं हर चीज कि है कि नहीं है, मैं हूं कि नहीं हूं, या हम हैं कि नहीं है। ये तो अभी अपन ने डिसाइड कर लिया कि सब जुड़े हुए हैं आपस में, उसके बिना हम नहीं है, मैं बिना आप नहीं है, आपके बिना मैं नहीं हूं। इस मैं को एक्सप्लोर करने के लिए आप सबकी जरूरत है मुझे, गुस्सा निकालने के लिए आपको तकिया चाहिए। इसमें कई बार अवसर का भी अवसर है, जैसे कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास ये अवसर ही नहीं है कि वो चीज़ों को देख पाए, वो अलग अलग वेरिएशन अपने जीवन से जुड़ा हुआ, या फिर जैसे अपन ऐसे बोलते हैं कि कला को भी देख पाए, नृत्य को भी देख पाए, और बिजनेस को भी देख पाए, पढ़ाई को भी देख पाए, मतलब उसके पास ऑप्शन, वो तब वो कैटेगराइज करता है, अपने छांटता है उसमें कि यार ये करना ठीक है या ये करना ठीक है ना। तो उसके पास चॉइस होगा, अवसर होगा, तो वो चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करेगा।
और वो होगा ही नहीं। कई सारे ऐसे बच्चे हैं, कई सारे ऐसे कम्युनिटी हैं जिनके पास अवसर नहीं है, है ना? नहीं पता है कुछ। तो अवसर का भी कई बार जो है इसलिए रोल, इसीलिए तो जो भी मैं है कोई भी वो उठा हुआ है कि नहीं अवसर जिसको आप कह रहे हैं। अब जैसे शैलजा ने जो है बहुत जरूरी बात कही थी कि अपन एक समाज में रहते हुए भी अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं। हम जितने भी आदमी बैठे हैं अपन को प्रिविलेज है, हम अलग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। महिलाओं महिलाएं इसी समाज को अलग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दलित ग्रामीण सभी अलग अलग कर रहे हैं। तो वो दलित बनने में जो मैं था उसका वो इसी इंटरकनेक्टेड जो वर्ल्ड है उससे बन रहा है। लेकिन समस्या ये है कि इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड को हमने डिवाइड कर रखा है। हमने जो इंटरकनेक्टेडनेस जिस सेंस में अभी अपन बोल रहे हैं, जो आइडियल में बोल रहा हूँ इंटरकनेक्टेड, वो इस सेंस में नहीं है कि ब्राह्मण ब्राह्मण से इंटरकनेक्टेड है और वो उनका ही वर्ल्ड है, वो दलित से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन इस सेंस में इंटरकनेक्टेड है कि जैसे एक रस्सी होती है, रस्सी गुटी रहती है हर रेशे से। अगर समाज रस्सी है तो वो हर रेशा वो इंडिविजुअल है जो हर पहलू से जुड़ा हुआ है और उसे स्वतंत्रता भी है उस पहलू से जुड़े। तो ये अपना दुर्भाग्य है कि अपन इस समाज में जहाँ इतनी सारी बुराइयाँ भेदभाव एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंटरकनेक्टेड हैं अपन अभी, लेकिन जिस इंटरकनेक्टेडनेस की अपन अभी बात कर रहे हैं वो इसका आइडियल फॉर्म है जिसपे हम सभी जाना चाहते हैं। लेकिन इंटरकनेक्टेडनेस फिर भी रहेगी तो अपने जो अनुभव अलग अलग समाज से अलग अलग वर्गों से आते हुए भी हैं वो भी इंटरकनेक्टेड है। और फिर उस मैं का जो फॉर्मेशन हो रहा है आउटर लेवल पे, उसमें फिर फ्री विल का जो आप सभी ने कहा वो उसी तरह से जुड़ रहा है कि अगर वो सिर्फ इस बॉडी से ही या बॉडी तक ही सीमित हो रहा है तो वो फ्री विल सच्चे मायनों में नहीं हो सकता। वो जो तुम्हारा सेल्फ बन रहा है इंटरकनेक्टेड होने से वो फ्री विल में भी आएगा, क्योंकि तुम बन ही उन्हीं सबसे रहे हो। जैसे आपने अवसरों की बात की तो उन्हीं अवसरों से वो बच्चा बन रहा है, तो उसकी फ्री विल भी उन सभी अवसरों की ही रहेगी। तो उस सेंस में ये एक पहलू हो सकता है। जो मुद्दा है ना वो तो ये है कि जो इंटरकनेक्टनेस की जो का जो एहसास है ना इस पूरी यूनिवर्स में जो भी एग्जिस्ट करता है उसके जो लेवल हैं उसमें जो लेयर हैं वो एक मुद्दा है कि हम सब लोग इस यूनिवर्स में जो भी एग्जिस्ट करता है उसके साथ किस तरह से जुड़े फील करते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं। और क्या ये हमारे मन में मतलब सभी लोग उसको देखते कहते हैं उस जुड़ाव को कि भाई एक के बिना दूसरा अधूरा है, मतलब जो भी यहाँ हम हैं जिस भी रूप में। तो मुद्दा यह है कि वो जो एहसास है उस एहसास को हम कैसे सब वो एहसास सबका साझा कैसे हो, ये मुद्दा है। और ये मुद्दा शायद जो भी हम जिसको हम तथाकथित रूप से जो हमारा एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो कितना इस तरह के कलेक्टिव जो इस तरह की फीलिंग है इंटरकनेक्टेडनेस की उसको बनाने में मदद करता है या बिगाड़ता है मालूम नहीं है, पर उसी पे काम करने की शायद जरूरत है। अगर उस पे काम होगा तो शायद सारी जो समस्या है ना, मतलब हम तो इसकी बात कर रहे हैं कि ये दलित और ये कर्ण और मुस्लिम जो भी है वर्ग हमने बना लिए हैं दुर्भाग्यवश, पर जो बहुत छोटा जो वो है ना इस यूनिवर्स में जो टीटी भी है जो एग्जिस्ट करता है उसके साथ ही मेरा उसका भी रोल है इस पूरे उसको अच्छा बनाने में। तो वो बहुत आगे की एक गहरी समझ की बात जब वो बड़ा मुद्दा है। वो उस लेवल पे हम अपनी जो चेतना है हमारे देखने का जो नजरिया है उसको कैसे हम बनाएं, वो
वो जो गहरी संवेदनशीलता है उस पर काम कैसे करें, जो जो बुद्धिज्म या जैनिज्म में जो पूरा है कि पहले आप खुद को समझिए और जो आप खुद जो जिन कणों से बने हुए हो कि वो हर क्षण आप कितनी सारी संवेदनाओं को फील करते हैं, आपका मन इतना वो हो जाए से क्या कहें तो महीन हो जाए कि आप बहुत ही हर क्षण चीज़ों में जो आपके अंदर बदल रहा है महसूस हो रहा है उसकी तह तक पहुंच जाए, उसकी जड़ तक पहुंच जाए और आप उस तरह के संवेदनशील मन के साथ इस दुनिया के साथ कनेक्ट बना पाए। बड़ा मुद्दा है जो आप कह रहे हैं, बहुत सजगता की बात। एक उदाहरण से मैं बात करना चाहूंगा, आज मेरे कलीग है, मेरे साथी है, तो उनकी बेटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमएससी कर रही शायद, तो उसकी चाहत है कि वो साइंटिस्ट नासा में कुछ वहां से उसकी कॉलिंग्स आ रही है, तो वो लड़की जाना चाहती है, लेकिन उनके जो फादर साहब उनकी एक समस्या है, पढ़े लिखे जहीन आदमी है, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन उनको लगता है कि फिर उसके उसके लेवल का उसको वर नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी समस्या है, वो साइंटिस्ट बन जाएगी तो फिर उसके लेवल का हमारे समाज में तो दूसरे समाज में हाँ। तो देखिए कि हम चीजों को समझते तो हैं, लेकिन फिर वापस सेपरेशन कहां से आ जाता है, और ये जहां तक मुझे लगता है ना, ये सेपरेशन से जो है ये हमारी परंपराओं में, हमारे रिचुअल्स में है, हमारे धर्म ग्रंथों में। वो तभी तो कहते ना कि अगर इनको एक बार बॉम्ब लगा के उड़ा दिया जाए तो शायद सुख शांति आ जाएगी। तो वो हाँ वही वही उसी की बात है, उसी की बात है। तो परंपरा ही तो हमारे दिमाग को निर्माण भी तो करती है ना सर, ये सोसाइटी भी तो उसी का सर, वो सब निर्माण करती है, इंटरकनेक्टेड है ना। तो बचपन से जो चीज डाली जाती है जो परंपराओं में वो सीखता है बच्चा, जैसे इनकी किताब इनके इसमें था सतीश कुमार ने बचपन से वो पढ़ा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, तो उसके दिमाग में ये था कि यार ब्रह्मा तो पैदा करता है, विष्णु पालता है और महेश खत्म कर देता है, तो बचपन से वो उसके दिमाग में ये चलता रहेगा, तो आगे उसकी सोच वहीं तक सीमित रह जाएगी, उसकी सोच और समझने की शक्ति भाई ये यूनिवर्स इतना बड़ा है और ये चीजें वो चीज इसको बचपन से अगर मिले उसको सीखने को मिले उसकी एजुकेशन की उसको मिले तो वो बहुत कुछ समझे, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है कि अपन उसको दे रहे क्या है बच्चे को सीख क्या पा रहे हैं। राम लखन जी की सोसाइटी में अगर स्ट्रक्चर है ही नहीं तो उस परंपरा में हम लोग, लेकिन अगर देखा होगा तो बहुत समाज में बहुत सारे विमर्श भी होते हैं इंसान, हाँ विमर्श आजकल के सोशल मीडिया ने स्पेस हमको दिया इस तरह के बात, और जो ये विमर्श का आइडिया है बेसिकली उसी धारा की तरफ करते ऐसे जगह जगह छोटे छोटे मुद्दों पर बातचीत हो बातचीत है, जो उनके हो सकता है कि उनके जो आस पास जो बात करने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो उनके विचार को ज्यादा पोषण करते हैं, ऐसे कम लोग उनके विचार की तरफ वो प्रेरित करें कि नहीं वहां पर सब कुछ संभव है, तो ये ऐसे छोटे छोटे अगर विमर्श करेंगे तो शायद कुछ बदलेगी, और अभी 75 साल ही तो ये आजादी है और काफी लंबा सा लोग मजाक करते हैं, चिल्ली उड़ाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट हर जगह हर जगह तो वो भी एग्जिस्ट करते हैं। थैंक यू।
रिफ्लेक्शन में एक रिफ्लेक्शन लिखा था, उसमें एक यही सेंटेंस आया था कि कभी कभी ना हम ये स्लो पेस पे डेवलपमेंट सोच सोच के ना रुक ही जाते, एकदम स्टैगनेंट फील करने लगते। छोटी सी चीज़ जो हम कर सकते हैं ना, कि कुछ बहुत जो अनकंफर्टेबल चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे लिए केवल वो सब्जेक्ट छेड़ देना भी एक रेडिकल चीज़ है, एक रेवोल्यूशनरी चीज़ है और एक थोड़ा चेंज लाने की कोशिश दिखाती है। मतलब कुछ भी टॉपिक्स अगर हम ऐसे ला सकते हैं ना और उन पर डिस्कस करें तो वो बहुत अच्छी बात है। सब लोग अगर अपने अपने आइडियाज को साझा करें तो विमर्श का दायरा थोड़ा ज्यादा व्यापक हो। सर जो आप बता रहे थे कि कितना कॉन्शियस हम हो सकते हैं, मतलब ये भवानी ने जो बोला कि एज ए ह्यूमन स्पीशीज हम अब बाकी स्पीशीज की तरफ कितना एम्पैथेटिक है, कितना वो है, उसके ये दो पहलू और आते हैं कि एक तो होता है कि बहुत ही डोमिनेंट रिजिड आइडियोलॉजी के साथ कुछ बोल देना, एक चीज़ होती है कि कुछ सोच समझ के जान के तब बोलना, उसी कंक्लूजन पे आना। फिर जो नैरो माइंडेडनेस होती है ना, कि जब उन दोनों पहलू पे आके आंसर वही निकल रहा है कि तो फिर मैं भी तो ये बोल रही हूँ यही, बट नहीं, दोनों के चैनल्स अलग हैं। तो उसका एक एग्जांपल हो सकता है कि जब हम वेजिटेरियनिज्म पे आ जाते हैं, एक तरफ वो होता है कि नहीं 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 खाना चाहिए या फिर क्यों खा रहे हो या कोई भी, बट फ्री विल से मैं दोबारा कनेक्ट करूँ तो आप जिस माहौल में पैदा हुए थे उसमें आपको वो अक्सर मिले थे, है ना। हम बहुत जल्दी किसी को बोल देते कि नहीं ये सब गलत है या फिर क्या है, तुम कैसे कर सकते हो किसी और की हत्या, या फिर इन सब मुद्दों पे हम अचानक से आ जाते हैं। और दूसरा उसका पहलू है समझ के कि नहीं, वो कोई और स्पीशीज है, उसके भी उतने ही राइट्स हैं जितने मेरे राइट्स हैं। फिर एक सवाल उत्पन्न हो जाता है कि अच्छा अगर मैं बोलूं कि वो जानवर रो रहा था तो तुम्हें क्या उसकी आवाज़ मधुर लगती है, हम बोलेंगे नहीं। और टेस्ट और साउंड दोनों सेंसेस हैं, और सेंसरी ऑर्गन सुनना बोलना फील करना ये सब सेंसेस में आता है कि नहीं। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हमें सुनना पसंद नहीं है तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि हमें टेस्ट पसंद है, इसका एक ये लॉजिक होता है। तो अगर हम दोनों चीज़ों पर आ रहे हैं बट कौन सा रूट अपना रहे हैं उस पर भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि व्यक्ति को कुछ बदलना है, अगर आप हमेशा इस तरह की प्रक्रिया में रहते हो तो आपको कभी किसी पर डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहिए, उसको एक स्पेस में, डायलॉग के स्पेस में लेके आना चाहिए, है ना। और जैसे अगर फास्ट वो कराने लग जाता है, बैट्समैन को बॉलर बहुत फास्ट कराने लग जाता है तो वो डिफेंस खेलने लगता है। तो वैसे भी अगर मैं सीधे सीधे बिना इसके किसी को भी करूँगा तो वो व्यक्ति को भी लगेगा कि अरे वो अपने बात को फिर डिफेंस करने लग जाएगा ना। तो अगर मन में सोचा कुछ बदलाव करना है ना, तो हमेशा व्यक्ति को स्पेस क्रिएट करना चाहिए डायलॉग का। तो वो हम पे निर्भर हो सकता है कि हम उसको डायलॉग के स्पेस कैसे क्रिएट करें। ठीक है, धन्यवाद सविता और भवानी, इन्होंने किताब पढ़ी और उसके माध्यम से जो आइडियाज थे वो सामने लाए कि अपने जीवन के अनुभव कैसे इम्पोर्टेंट है, फिर ये समाज, धर्म, पूंजीवाद, समाजवाद, ये जो अलग अलग आइडियाज हैं उनका अपने जीवन में क्या अनुभव है, और लास्ट में जो डिस्कशन हुआ बहुत ही हेल्पफुल। उसके साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि